हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या हैशटैग सीवी। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखिए। पहले तो हम एक यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ये एक सेकेंड हो जाइए, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया ये। अब इसका नेम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या कह रहा है, थ्री ए फर्स्ट पार्ट में सॉरी एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल बी और ये एंगल डी, क्या ये 180 डिग्री होगा? तो ये होगा, लेकिन आपका ये क्वाड्रिलेटरल में नहीं होगा। इस अगर ये स्क्वायर रहेगा तो इसकी ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगी, तो 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे आपका रेक्टेंगल में भी होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। लेकिन आपका क्वाड्रिलेटरल में ये ऐसा नहीं होता है, तो हो सकता है। तो ऐसे लिखेंगे आप, कैन बी बट नीड नॉट बी, ठीक है ना, बट नीड नॉट बी कह रहा हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि सबके साथ हो। जैसे स्क्वायर के साथ होगा और रेक्टेंगल के साथ होगा। तो अब देखिए सेकेंड वाला पार्ट, तो सेकेंड पार्ट देखिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ये एंगल ए बी है, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, सॉरी ये 8 सेंटीमीटर है, और एंगल ए डी सॉरी एंगल ए बी और डी सी ये भी 8 सेंटीमीटर है। एक सेकेंड, ए बी ये 8 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, और डी सी ये डी और सी ये आपका डी सी आपका बोल रहा है, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब एंगल ए डी बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, और ये बी सी बोल रहा है 4.4 सेंटीमीटर। तो इसका ये दोनों साइड तो इक्वल हो रहा है, पर ये दोनों नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, नो बिकॉज अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ अ अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम होता है उसका जो अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है। बिकॉज नो बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बट हियर ये ए डी इज नॉट इक्वल टू बी सी। ये तो 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, तो ये ऐसे हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड वाला है, बोल रहा है एंगल ए आपका, ये एंगल ए है, ये आपका 70 डिग्री है, और एंगल सी आपका 65 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है कि हम लोग की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पे तो अलग अलग दिया है, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे नो सॉरी स्टूडेंट्स एक सेकेंड, ये नो बिकॉज अपोजिट साइड अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल नहीं है। बट हियर एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो ये थ्री हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एक्सटर्नली टू अपोजिट एंगल ऑफ अ इक्वल मेजर। तो एक ड्रॉ फिगर बनाइए जिसमें क्वाड्रिलेटरल
दैट ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जिसके दो अपोजिट एंगल इक्वल हो। तो आपको पता है ये क्या होता है? ये आपका एक काइट फिगर होता है, ठीक है ना? ये काइट होता है जिसकी ऊपर की ये दोनों सेम होता है, ये इक्वल होता है साइड, ये इक्वल साइड होता है, और उसकी एंगल, ये ऊपर के एंगल और नीचे के एंगल सेम होते हैं, ठीक है? तो ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है, तो ये काइट ही है, ठीक है? तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5th ने बोल रहा है द मेजर ऑफ अ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन रेशियो, ठीक है? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है? तो सबसे पहले तो एक हम लोग पैरेललोग्राम का फिगर बना लेते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, ये ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम। अब इसका नेम देते हैं ए बी सी डी, ठीक है? तो इसमें दिया है, रेशियो में दिया है 3:2, तो ये आपका हो जाएगा, मैंने बताया था कि अगर रेशियो रहता है तो उसके साथ एक्स लगा लेते हैं, तो ये आपका एंगल बी हो जाएगा 3x, एंड एंगल सी हो जाएगा, सॉरी ये एंगल सी आपका 2x हो जाएगा और एंगल बी आपका हो जाएगा 3x, ठीक है? ये हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल, ये एंगल बी कितना था 3x, ठीक है? अब एंगल सी कितना था 2x, रेशियो में दिया था, तुम लोग एक्स करके लिख लिए थे। तो अब देखिए, अब ये एंगल बी प्लस एंगल सी, अब ये दोनों मिल के तो आपका 180 डिग्री बनाएंगे, एंगल सी और एंगल बी आपका मिल के 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे होगा सम ऑफ एडजेसेंट, एडजेसेंट ठीक है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करना है, एंगल बी आपका दिया हुआ है 3x और प्लस एंगल सी 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3x प्लस 2x तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है? 5x हुआ। अब क्या करना है, इक्वल टू 180 डिग्री, तो अब एक्स इधर करके 180 डिग्री अपॉन में ये आपका हो जाएगा 5, तो ये आपका कट जाएगा, तो ये 3 बार में, ये 6 बार में, तो एक्स इज इक्वल टू 36। ये हो गया, 36 डिग्री आ गया, ठीक है ना? तो अब देखिए आगे क्या करना है, ये हो गया। अब देखिए एंगल बी इक्वल टू कितना था 3x, तो अब 3 और x की जगह 36 पुट कर लेते हैं, तो 36 6 3 जा, तो आपका होता है ये 108, 108 डिग्री आएगा। अब एंगल सी इक्वल टू 2x, तो अब ये 2 तो लिखेंगे लेकिन x की जगह 36 हो जाएगा, तो 36 2 जा 72 डिग्री, ठीक है? तो अब मैं बताऊँ, ये एंगल ए है वो किसके बराबर होगी, एंगल सी के। तो एंगल ए हमारा कितना था, एंगल ए होगा यानी ये 72 डिग्री, ठीक है? और उसके बाद ये एंगल बी आपका होगा एंगल डी के बराबर, तो एंगल बी कितना था 108 डिग्री, ठीक है ना? ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।